ओके सो हम कई बार शूट करते हैं कैमरा से, अपने फ़ोन से भी शूट करते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट शॉट्स ले रहे हैं अपने फ़ोन से, कोई भी फ़ोन से या अपने कैमरा से भी, तो कोशिश ये रहती है कि उसको ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे फ़ोन आपका स्टेबल रहे, राइट। और उसी चीज़ के लिए अगर आप कैमरा या फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो जो ट्राइपॉड है या जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज उस पर जो है आपका महंगा फ़ोन या कैमरा स्थित होता है। तो उसी के लिए मेरे पास आज एक प्रोडक्ट है, जोबी का एक बहुत ही बढ़िया गोरिल्ला पॉड है। अब जोबी इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड नेम व्हेन इट कम्स टू यू नो गोरिल्ला पॉड्स, ट्राइपॉड्स एंड ऑल दैट। तो आज मेरे पास जोबी का ये प्रोडक्ट है 3K, ये जो है जोबी का 3K मॉडल है। इसका एक 2K, 1K, आई थिंक 5K भी आता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये मैं करीब 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, और करीब 3,500-4,000 रुपये का होता है ये, प्राइसेस फ्लक्चुएट। बट क्या ये गोरिल्ला पॉड आपको चाहिए या क्या ये इस प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, तो छोटा सा जो है मेरा रिव्यू ये मैं बता दूंगा आपको आज जोबी का 3K गोरिल्ला पॉड का। सबसे पहले तो गोरिल्ला पॉड होता क्या है। अब गोरिल्ला पॉड जैसे कि तीन टांगे हैं तो ट्राइपॉड जैसा ही होता है, बट गोरिल्ला पॉड्स में खासियत ये होती है कि इनकी इन टांगों को आप किस तरीके से भी मोड़ सकते हैं। तो आप पेड़ के जो टहनियों में होता है या कहीं टेबल वगैरह है वहां पे आप इसको मोड़ तड़ोड़ के लगा सकते हो। अब जोबी का क्यों लें, क्यों ना हम कोई सस्ता ऑनलाइन जाके चाइनीज ले लें या यू नो 700-800 रुपये का चीज़ ले लूँ, क्यों मैं 3,500-4,000 रुपये जोबी के 3K में खर्च करूँ। इसलिए खर्च करेंगे बिकॉज गोरिल्ला पॉड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जो जॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जॉइंट्स अगर आपके क्वालिटी ख़राब होगा तो इन जॉइंट्स पे ही जो है आपका सारा जो गोरिल्ला पॉड का वेट है, कैमरा का वेट है, फ़ोन का वेट है, वो सारा इन्हीं जॉइंट्स ने संभाल रखा होता है। एंड द फुट ऑफकोर्स, तो ये फीट है तीन, इनमें भी जो है आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर ये क्वालिटी ख़राब होगी तो आपने अपना फ़ोन या कैमरा माउंट किया और आपने समझ लीजिए जैसे ही छोड़ा पूरा जो है गिर गया, तो आपका सामान भी टूटेगा, आपका महंगा फ़ोन या कैमरा टूट सकता है। तो उसी के लिए एक बार में थोड़ा सा खर्च करिए एंड गेट समथिंग विच इज़ ब्रांडेड, विच इज़ ट्रस्टेड द वर्ल्ड ओवर। अब ये गोरिल्ला पॉड है और इसमें जो टांगे हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्टर्डी मुझे लगती हैं। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के आसपास मुझे हो चुका है। और इसमें बॉल हेड आपको मिल जाता है, ये रोटेटिंग नॉब है दोस्तों, ये रोटेटिंग नॉब आप रोटेट करोगे तो ये वाला जो एरिया है ये आप आराम से जो है किसी भी एंगल में चाहे आप उसको पकड़ के और आप इसको आराम से जो है टाइट कर सकते हैं, उसी एंगल में ये रहेगा। अब ये 3K का मतलब है 3 किलोग्राम्स तक ये जो गोरिल्ला पॉड है ये हैंडल कर सकता है। अब मैं क्या इसमें लगाता हूँ, मैं जनरली आई पुट इन समथिंग लाइक अ कैनन EOS RP। ये डिसेंटली बड़ा कैमरा है, ये मैं लगाता हूँ विथ द 35mm लेंस और 50mm लेंस, जो कि 3 किलो से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये इस तरीके से ऊपर लग जाता है या यहाँ पे आपको जो है एक रिलीज मैकेनिज्म मिल जाता है, ये आप दबाओगे तो ये जो इसका जो सारा हेड है, छोटा सा जो ये चीज़ है, ये बाहर निकल के आ जाती है, जो कि आपके कैमरा के नीचे यहाँ पे जो आपका माउंट होता है ट्राइपॉड माउंट वहाँ पे लग जाएगा। अब एक नेगेटिव चीज़ इसकी मुझे ये लगी कि यहाँ जो आप देख रहे हो ये चीज़, इसको घुमाने के लिए, टाइटन या लूज करने के लिए आपको एक कॉइन या एक नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो है एक चीज़ है जो जोबी को ध्यान रखना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन समथिंग एल्स। इसमें हमेशा आपको कॉइन या कुछ ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज उसके बाद ये कॉइन यहाँ पे यूँ अंदर डाल के सबसे ईजिएस्ट तरीका होता है, बिकॉज हम सबके पास वॉलेट्स होते हैं, वॉलेट में एक ना एक कॉइन तो ज़रूर होता है मोस्टली। तो ये आपका यहाँ पे जाके आप इसको घुमा सकते हो टाइट या लूज करने के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम छोटी सी मुझे लगी, एक नेगेटिव पॉइंट अगर कह लीजिए तो वो है। बट इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा घुमा लीजिए, नॉर्मल एक टाइटन कर लीजिए, उसके बाद आप इसको यूं रख के, सीधा रख के कॉइन से जो है मैं इसको इस तरीके से घुमा दूंगा और कर दूंगा टाइट, ठीक है। अब इसका एंगल वगैरह आप सेट करके ये हो गया टाइट। अब इसको हम सीधा इस पे लगा देंगे और एक क्लिक आवाज आएगी जिसका मतलब है ये लॉक हो चुका है, ठीक है। ये हो गया लॉक एंड दिस इज हाउ योर गोरिल्ला पॉड लुक्स। इसका एंगल वगैरह आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से
और उसके बाद आप चाहे इससे व्लॉगिंग करिए, चाहे आप नॉर्मली लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज लीजिए, या कहीं पे भी आप इसको रख के आराम से जो है शूट कर सकते हैं, ये कहीं जाने वाला है नहीं। ऑल्सो बिकॉज ये जो फीट हैं इसके, जो पैर हैं, ये एंटी स्लिप हैं, विच मीन्स ये स्लिप नहीं करेंगे अगर आप कहीं भी ऐसे सरफेस पे रखते हैं जहाँ पे स्लिप करने का आपको डर रहता है। तो ये एंटी स्लिप है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपको लोकल गोरिल्ला पॉड में ना मिले। तो ये किसी इस तरह का जो है इसका एक टोटल लुक आ जाता है अगर आप देखोगे। इससे भी काफ़ी हैवी लेंसेज जो है ये ले लेगा, बिकॉज 3 kilos जो है इसका टोटल पेलोड कैपेसिटी है। तो 3 kilos अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं M50 Mark II से शूट कर रहा हूँ जिसमें कि 16mm लेंस लगा हुआ है, वो भी कंबाइंड वेट उसका 3 kilos डेफिनेटली नहीं है। इसका भी नहीं है बिकॉज USRP है और 35mm लेंस है जो कि टोटल वेट 3 किलो से बहुत कम है। तो 3 किलोस तक ये वेट आराम से ले लेगा और आप देख सकते हो काफ़ी स्टर्डी है। इसमें कोई भी आपको क्वालिटी में कोई इशू नहीं मिलने वाली, चाहे वो ये प्रॉपर बॉल हेड की क्वालिटी बोलिए या ये जो होल्ड करने वाला चीज़ है इसकी क्वालिटी बोलिए, काफ़ी अच्छा है। तो गोरिल्ला पॉड आप यूज़ कर सकते हो अगर आप ट्रैवल करते हो या आप व्लॉगिंग करते हो या इस तरीके से आप शूट करते हो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, कि आपको जो है हमेशा यहाँ वहाँ उबड़ खाबड़ सर्फेसेस में आपको अपने कैमरा रखने की ज़रूरत महसूस होती है, या जहाँ आप रख रहे हो और प्रॉपर लेवल नहीं है। ऑल दो लेवल अगर नहीं है वहाँ पे ट्राईपॉड भी चल जाएगा, बट ट्राईपॉड का कई बार जो है सीन डिफरेंट होता है। अगर बहुत अच्छा क्वालिटी ट्राईपॉड नहीं है तो कहीं ना कहीं यू नो क्वालिटी में थोड़ा सा कंसर्न रहता है। प्लस उसके फीट जो हैं वो जनरली जो है, मुझे गोरिल्ला पॉड का इसलिए पसंद है बिकॉज ये एंटी स्लिप है, जो भी का ये 3K है, इससे बड़ा आता है 5K, दैट इज़ अ लिटिल बिगर इन साइज। तो 5 kilo का मुझे गोरिल्ला पॉड में अपना सामान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर ट्रैवल पर्पजेज, ये आराम से जो है आपके ट्रैवल बैग में आ जाएगा। इसकी टांगे आप सीधी करिए, चाहे जिस तरह से करिए, अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो इस तरीके से घुमा लो और उसके बाद जो है आराम से यूं पकड़ के आराम से जो है अपना आप व्लॉग कर सकते हैं। तो काफ़ी यूजेज है इसका एक गोरिल्ला पॉड का, और जो भी का ये वाला जो मॉडल है ये मुझे स्पेशली पसंद है बिकॉज दिस इज़ ब्रांडेड, दिस इज़ गुड कंपनी, और ओवरऑल क्वालिटी जो है इसकी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। 6 महीने यूज़ कर रहा हूँ, ऑल दो मैंने काफ़ी छोटे छोटे रिव्यूज़ में देखा है कि इनके जो ये जॉइंट्स हैं ये काफ़ी जो लूज़ हो जाते हैं, तो ये आप टाइट कर सकते हो, ये निकल भी जाते हैं कई बार, बट मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। यू कैन एक्चुअली टेक दिस ऑफ अपने अलग से, बट मैं इसमें टेक ऑफ नहीं करूंगा बिकॉज वंस यू स्टार्ट टेकिंग द यू नो जॉइंट्स ऑफ, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ये इवेंचुअली लूज हो जाता है। तो ये है एक जोबी का 3K का गोरिल्ला पॉड, बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है अगर आप फ़ोन से शूट करते हैं या आप अपग्रेड करना चाहते हैं कैमरा में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ोन से शूट करते हैं तो ये मत लीजिए बिकॉज जनरली आवर फोन्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप 25-30 हज़ार का फ़ोन लें तो भी वो काफ़ी पैसा है, और उससे ऊपर का अगर आप फ़ोन लेते हैं तो ऑफकोर्स मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इतना पैसा जब आप एक फ़ोन में इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों ना ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करें जो आपके फ़ोन को सिक्योर रखने वाला है। अगर आप फोटोग्राफी थोड़ा सा भी करते हो या थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है आपको फोटोग्राफी सीखने में, या जनरली जो है आपको आगे जाके फोटोग्राफी करने में, या ट्रैवल कहीं करते हो आपको लॉन्ग एक्सपोजर लेना है तो यहाँ वहाँ पत्थर के सहारे या किसी बेंच में ऐसे रिस्की तरीके से आपको अपने फ़ोन को रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस, ट्रस्ट मी यू विल नॉट रिग्रेट। 6 महीने पहले मैंने इसको लिया था करीब 4,000 रुपये का, और आज तक मुझे लगता नहीं है मैंने एक बार भी रिग्रेट किया हो। व्लॉगिंग के लिए इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, व्हेनेवर आई ट्रैवल आई कैरी दिस विथ मी बिकॉज छोटा सा है तो मेरे ट्रैवल बैग में या कैमरा बैग में या बैकपैक अगर छोटा सा आप कैरी कर रहे हैं उसमें भी आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और वेट की अगर मैं बात करूं, कुछ भी वेट नहीं है इसका, तो ओवरऑल क्वालिटी इज़ वेरी वेरी नाइस एंड इट फंक्शंस वेरी वेरी वेल। ऐसा नहीं है कि यार इसकी क्वालिटी ख़राब है या ओवरऑल जो है टूट टाट रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। आगे जाके लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं पता क्या होगा, ऑफकोर्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज़ योर प्रोडक्ट, हाउ यू यूज़ योर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बट जिस तरीके से मैंने यूज़ किया है काफ़ी अच्छा है। इसका बॉल हेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, जैसा मैंने कहा, एक नेगेटिव जो मुझे लगा वो ये है कि जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पे ये खोलने के लिए ऑफकोर्स आपको एक कॉइन या चाकू या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक नेगेटिव के अलावा मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई इसमें नेगेटिव है। तो इसका लिंक भी मैं नीचे छोड़ दूंगा, अगर आपको चाहिए चेकआउट करो, ख़रीदना है ख़रीदो, यू वोंट बी रिग्रेटिंग दिस डिसीजन एट ऑल। कोई पेड ये कैंपेन नहीं है दोस्तों, दिस इज जस्ट समथिंग विच आई हैव बीन यूजिंग, और लॉन्ग टर्म जब मैं कोई भी चीज़ यूज़ करता हूँ अगर मुझे अच्छी लगती है या रिकमेंड मैं करना चाहता हूँ तो मैं जनरली उसके बारे में एक वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम भूल जाते हैं। महंगा कैमरा ले लेते हैं लाखों का, महंगा फ़ोन ले लेते हैं 1.5-1.5 लाख रुपये का, बट एक छोटी सी चीज़ में हम स्किप कर जाते हैं जिसकी वजह से कई बार
हमें नुकसान झेलना पड़ता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सीखा है मैंने ओवर द ईयर्स कि भाई एक्सेसरीज में भी इन्वेस्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था छोटा सा एक ओवरव्यू और रिव्यू जोबी का, गोरिल्ला पॉड 3K का। कुछ और देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट्स मेरे पास कुछ ना कुछ मैं यूज़ करता रहता हूँ, और कुछ ना कुछ सस्ता सामान हो या कोई यूज़फुल सामान हो वो भी मैं जो है कोशिश करता हूँ कि उसके रिव्यूज़ बनाऊँ खुद यूज़ करने के बाद। ये नहीं कि रैंडम कहीं से देखा और मैंने कुछ और बना दिया, खुद जब तक मैं यूज़ करके सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिलती है मैं तब तक कोई भी वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूँ। वो चीज़ तो शायद आप लोगों को अब तक पता होगी अगर आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। नहीं जुड़े हुए हैं तो अगर नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये गोरिल्ला पॉड चाहिए या आपको पसंद है। तो फिलहाल मैं चाहूँगा इजाज़त, और मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।